अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर हैं। फिर से तो बेटा आज हम सेवन क्लास की साइंस को देखते हैं। डेट टू है, डेट हमारे पास 6 जून है और डे है ट्यूसडे। सो बेटा रीडिंग हमारी पढ़नी थी, रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। अडेप्टेशन, अडेप्टेशन क्या होता है बेटा? लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी खसूसियात उसके एक इन्वायरमेंट में माहौल में रहने के लिए मौजू बनाती है, उसको हम अडेप्टेशन कहते हैं। आगे वार्म ब्लडेड एनिमल्स, बेटा वार्म ब्लडेड एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो टेम्परेचर चेंज होने के, जब टेम्परेचर चेंज होता है तो उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे हमारे पास टेम्परेचर, ठीक है, ऐसे एनिमल्स जिनका टेम्परेचर जो है सराउंडिंग के लिहाज चेंज नहीं होता। अब बेटा और नेक्स्ट है बेटा फूड चेन। फूड चेन हमारे पास बेटा ऐसी चेन होती है जिसमें हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। कोई प्रोड्यूसर होता है, कोई कंज्यूमर होता है। तो प्रोड्यूसर प्लांट होते हैं, वो प्रोड्यूसर्स होते हैं क्योंकि वो खाना बनाते हैं। उसके बाद जो हम एनिमल्स हैं, हम इंसान हैं, हम कंज्यूमर क्योंकि हमने इनको खाना होता है, ठीक है। आगे इसमें हमारे पास हर्बीवर्स, कार्निवर्स एंड ओमनीवर्स भी बेटा आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास ट्रॉफिक लेवल आ जाता है। ट्रॉफिक लेवल पोजीशन ऑर्गेनिज्म का फूड चेन, मतलब ऑर्गेनिजम्स की फूड चेन में जो पोजीशन होती है उसको हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं, ठीक है बेटा। और उसके बाद आपने फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू फूड चेन के जरिए बेटा जो एनर्जी का फ्लो होता है ये उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ। और सबसे मैं आपको डिकम्पोजर्स के बारे में बता दी। चलो डिकम्पोजर्स बेटा आपने देखा हुआ कि मोस्ट प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो डेड हो जाते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें जब बैक्टीरिया और फंगी की वजह से हमारे पास जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और उनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं, ठीक है। तो बेटा आपने ये सारी रीडिंग कम्प्लीट करनी है। उसके बाद हमारे पास डे टू में एक क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज़ इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या है, व्हाट इज़ एन इकोलॉजिस्ट और इकोलॉजिस्ट क्या करते हैं। बेटा रीडिंग की तरफ आएँ, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन देमसेल्व्स एंड देयर सराउंडिंग इज नोन एज इकोलॉजी। ये बेटा इकोलॉजी की डेफिनेशन है। इसके बाद है इकोलॉजिस्ट स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल्स विच लिव इन अ पार्टिकुलर प्लेस एंड द फिजिकल कंडीशन सच एज लाइट, टेम्परेचर, वाटर एंड सोइल, ठीक है। यहाँ पर आपने बेटा दे की जगह सिर्फ आपने इकोलॉजिस्ट लिख लेना, बाकी आपने ये इकोलॉजिस्ट के वो काम है जो इकोलॉजिस्ट करते हैं, ठीक है बेटा। आपने इस क्वेश्चन को यहाँ पर मेंशन कर लेना। अल्लाह हाफिज़।